अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेली फरीद ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। देखो यहाँ पे ना, जैसे लोग बोलते हैं ना, जैसे हम लोग बोलते हैं और मौत का कोई भरोसा नहीं बोल के, उसी तरह यहाँ पे गल्फ कंट्री में ड्यूटी का कोई भरोसा नहीं। कभी कभी भी फोन आ सकता है, आप नहा रहे हो फोन आ सकता है, आप वॉशरूम में हो फोन आ सकता है, आप टट्टी कर रहे हो फोन आ सकता है, आप खाना खा रहे हो फोन आ सकता है, कुछ भी करते रहते कभी भी फोन आ सकता है, ड्यूटी का कोई भरोसा नहीं। इसीलिए रेडी रह के रहना है बस, ठीक है। तो अभी जाके मैं 7:30 बजे छोड़ के आया हूँ उसको, सुबह सुबह मैं वीडियो नहीं ओपन किया था, तो अभी जा रहा हूँ गाड़ी वॉश करने के लिए। नाश्ता वाश्ता कर लिया, चाय पी लिया, मस्ती में अंडा रोटी खा लिया, तो अभी जा रहा हूँ गाड़ी धोने के लिए। आज के थंबनेल में आपने देखा ना कि गाड़ी वही है मेरी गाड़ी, ठीक है। तो अंदर अंदर सब दिखाऊंगा एक दिन वीडियो बना के, यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, बाहर जाता हूँ तो तभी बनाता हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी गाड़ी वाड़ी धो के, क्योंकि मैं रूम घर के अंदर है ना मेरा रूम, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना सकता। बाहर बाहर होता तो मैं वीडियो बनाता था गाड़ी धोने का सब, क्योंकि गाड़ी भी घर के अंदर ही है, गेट के अंदर। तो इसीलिए अभी गाड़ी वाड़ी धो के फिर मिलेंगे बाद में। ये अपन आ गए ड्यूटी से, ड्यूटी से आ गए, लेकिन खाना भी लेके आ गए। मेरे ब्लॉग में तो पूरा खाने के ही बारे में बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या करें। अभी है तो है, वैसा बताना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ पे ड्यूटी लगती है, बने रही है, खतरा कभी भी हो सकता है। 1 मिनट यार, आज चटनी उटनी नहीं आई, पता नहीं क्या है खाने में। 1 मिनट, ओ खुशबू से आ गई भाई, बिरयानी है बे, पता नहीं बिरयानी है क्या है, 1 मिनट दिखाता हूँ। राइस चटनी है, और ये हाँ यार ये चिकन बिरयानी है बे। उफ, ज्यादा नहीं देखने का, ज्यादा नहीं देखने का, नहीं तो वरना आपको भी भूख लग जाती है। तो इसीलिए अकेला खाने वाला हूँ मैं, अभी प्लेट उलेट धो के। यार घर में ना मैं 5 तकरीबन 4.5 या तो 5 महीने था इंडिया में, ना तो मैं प्लेट धोया हूँ, ना तो मैं कपड़ा धोया, ना तो मैं झाड़ू लगाया हूँ, ना तो पोछा मारा हूँ। यहाँ पे आके साला सब करना पड़ता है। जब मेरे घर में ब्लॉग देखती है ना तो बोलेंगे हाँ अभी झुक रहा है, अभी मतलब थूकेंगे मेरे को। तो खैर छोड़ो, अभी क्या करें, हमारी तो है ही ऐसा हालत। खाना खाएंगे फटाफट से, फिर बाद में मिलेंगे। तो भैया शाम के हो रहे हैं, मतलब 5 बज रहा है, बराबर 5 बज रहा है। मैं आया हूँ 15 किलोमीटर दूर, मतलब रूम से 15 किलोमीटर दूर, पता नहीं कहाँ कौन किधर आया हूँ मैं, लेकिन प्लेस तो ज़बरदस्त है। तो नीचे उतरता हूँ, अभी गाड़ी वाड़ी दिखाना है ना आपको, अभी उतरता हूँ। 1 मिनट, सिग्नल भी अजीब है, अभी नीचे उतरना है मुझे। 1 मिनट, सिग्नल इसीलिए अजीब है बोल रहा हूँ क्योंकि पता है वहाँ पे ना सिग्नल जो रहता है ना वो गाड़ी पास होने के पहले ही लगा रहता है, यहाँ पे ऐसा नहीं, पास होके उस साइड में लगा रहता है, थोड़ा कंफ्यूज होता है बस वहाँ पे गाड़ी चला के इधर चलाने आओ तो। 1 मिनट, मेरी गाड़ी एंड क्रूजर, बस इतना ही दिखा सकता हूँ मैं, ठीक है, और क्या दिखाना है। वो जो वहां पे जो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है ना, उस बिल्डिंग के उस वो पीछे बाजू से पूरा समंदर एरिया है भाई, पूरा समंदर है। जाएंगे इंशाल्लाह एक दिन जरूर। अभी ना ये इधर से कहीं जाने वाली है तो उसका भी वेट करना पड़ेगा, पता नहीं इधर से कहीं जा रही है ये। तो भैया अभी तो हाँ, तो अभी तो देखो ऐसा है कि अभी कितना बज रहा है, मोबाइल गिर गया सारे, अभी तो 7:11 हो रहा है, अभी मैं इधर ही हूँ। मैं बोला था ना कभी भी कुछ भी हो सकता है बोल के, वही हालत हो रही है, क्योंकि आज जुमेरात है, कल जुम्मा है, 2 दिन तो फटेगी फटेगी इधर, क्योंकि घूमते हैं, बहुत घूमते हैं ना। तो अभी मेरे को एक अल्लाह का बंदा आया मेरे को, यहाँ पे ना मेन अगर मोबाइल हो ना तो उसे नेट होना चाहिए, नेट हो भाई कभी भी लेके जा, किधर भी लेके जा, मेन है ना नेट, नेट होना चाहिए ज़रूरी, उसके बाद में आगे का। यहाँ पे ना अभी ये जो आई है ना, यहाँ पे एक कुछ एक होटल वोटल है, ठीक है। यहाँ पे वो होटल में काम करने वाला एक बंदा,
फिलिपिनी है, नेपाली है मालूम नहीं। वो बंदे को पूछा मैं नेट है क्या बोल के, उसने ये दुकान का वाईफाई दे दिया मेरे को। तो चलाते बैठ गया बैठ गया बैठ गया, सोचा कि वीडियो बना के एक बार बोल दूँ, तो इसलिए बोल दिया। तो खैर एक और एक मसला है मेरे वीडियोस में ना, अब मैं यूट्यूब को छोड़ रहा था, मतलब यूट्यूब का प्रॉब्लम बता रहा हूँ, मैं यूट्यूब को छोड़ रहा था, यूट्यूब बंद कर रहा था। एक भाई ने बोला कि यूट्यूब बनाने वाले जो शाहिर भाई है हैदराबाद से, यूट्यूब को छोड़ो नहीं, आपकी कोशिश जारी रखो, वीडियो डालते रहो, पीछे से कोई ना कोई वीडियो वायरल हो जाएगा, व्यूज़ आ जाएंगे, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मैं भी सोचा कि हार नहीं माना, चुप वीडियो बनाते गया डालते गया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब लोग ना गाली देने वालों को पसंद करते हैं, शायद हम भी वही कर सक नहीं, ठीक है वो करने का नहीं है, हम अच्छा अच्छा कंटेंट डालेंगे, अच्छा अच्छा करेंगे, इंशाल्लाह फल देने वाला ऊपर है, आप लोग भी सपोर्ट करो, ठीक है। तो जो भी है होने दो, अभी तो मैं ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं ऐसे कब कब जाती है। मेरे को अभी कल सुबह पोस्ट करके, अभी जाके पोस्ट करके ना टाइमिंग लगा के सो जाऊँगा, कल सुबह का टाइम डाल के तो अपलोड हो जाएगा। तो खैर मिलेंगे फिर इंशाल्लाह कल, कल जुम्मा है तो एडवांस में आपको जुम्मा मुबारक, तो मिलेंगे कल, दुआ में याद रखना, ठीक है।